हम इतनी जान डाल देते थे अपना पोस्टर्स में कि मरी से मरी फिल्म भी होती थी कि ऑडियंस मजबूर हो जाते थे कि हम आके फिल्म देखें। स्टार्ट तो हमने निगार सलमा ये पान मंडी सिटी कोर्ट से लिया है, लेकिन उसके बाद कैपरी, निशाद, प्रिंस, इन सलमा उसमें जो है हमारे पोस्टर वगैरह लगते थे। तकरीबन ये 25 साल हो रहे हैं ये आर्ट की फील्ड में हूँ। अब्बू के साथ ही था शुरू से, बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। कि वो कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हम ये आर्ट की फील्ड में फिर इतना शौक़ बढ़ गया कि इसी काम में ही लगे रहे। आवाम थी वो हमें पोस्टर देख के अंदर आते, वो काम हम ऐसा कर देते थे कि जो है ना ऑडियंस खुद आते थे। शान की फिल्म थी ये नशे मन में लगी थी, कालू, वो उसके पसीना चेहरे पे और खून, वो पोस्टर टाइप का काम था उस टाइम। उसका ज़िद्दी चेहरा इस तरह का बना था, डर भी था थोड़ा कि हमें फर्स्ट टाइम जो काम किया था मैंने। फिर उसके बाद जब काम फिनिशिंग किया, फाइनल किया, तो फिर ये कि पब्लिक ने, दुनिया ने देखा है, ऑडियंस ने, तो उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, क्या काम किया है। ये डिजिटल से जब काम हुआ है हमारा, तकरीबन हमें 2-3 साल थोड़ी परेशानी हुई है, पैनाफ्लेक्स, न्यू साइंस, ये वो जो चल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये गैलरी वर्क्स जो कैनवस के काम होता है ये स्टार्ट ले ली। नेशनल स्टेडियम के सामने वॉल जो है वो पूरी वॉल पे पेंटिंग की थी हमने, तकरीबन 2-2.5 हज़ार फिट थी वो। ये जमात खाना गार्डन ग्राउंड बना हुआ है ये वॉल की। उसके अलावा बैरिया टाउन में काफ़ी बड़ा काम किया हमने। मिस नाहिद रज़ा के पास मैं काम सीखने गया, उन्होंने कैनवस रखा मेरे सामने, मैं उस पर पेंटिंग कर रहा था, फाइन आर्ट कुछ स्केचिंग की, तो मिस नाहिद रज़ा ने कहा कि आप तो खुद उस्ताद हो। मेरी बेटी है वो भी सीख रही है, वो भी कर रही है काम, और इसके अलावा स्टूडेंट है मेरे 3-4, वो भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जब तक हम जिंदा हैं ये आर्ट जो है नए बच्चों को हम तालीम के तौर पे सिखाएं, कि हमारा नाम हो, हमारे उस्तादों का हो। आर्ट एक कला है, एक फ़न है, ये तो एक समंदर है समझे, जिसकी गहराई का अंदाज़ा ही नहीं इंसान लगा सकता। और ये काम ऐसा है कि हम जितना भी इसको सीखें उतना ही हमारे लिए कम है।